हे गाइस, लक्ष्मी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को बहुत बढ़िया और बेहतरीन जानकारी देंगे रसगुल्ले के बारे में। इसके साथ ही आप सभी को ये बताएंगे कि एक किलो मावे के अंदर कितने रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं। लेकिन जानने के लिए वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो लक्ष्मी किचन चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो गाइज, आप सभी को बता देते हैं कि एक किलो मावे के अंदर कितने रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। एक किलो मावे के अंदर लगभग 100 रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे, क्योंकि एक रसगुल्ला 13 से 14 ग्राम का बनता है, जो लगभग 100 रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। अगर आप 2 किलो के मावा के रसगुल्ले बनाएंगे तो रसगुल्ले लगभग 200 रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। इसी के साथ आप सभी को ये भी जानकारी दे देते हैं कि आप 1 किलो मावे के अंदर कितना सामान और डाले जिससे अच्छे बनकर तैयार हो। तो अब सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं कि 1 किलो मावे के अंदर लगभग 150 ग्राम मैदा डाला जाता है और इसके अंदर 50 ग्राम सूजी डाली जाती है। अगर आप सूजी नहीं डाल रहे हो तो आप इसके अंदर 200 ग्राम जो होता है मैदे को डाल दे और इसके अंदर जो 1 चम्मच छोटा बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इसके अंदर 1 किलो मावे के अंदर इसमें चाशनी बनेगी 3 किलो चीनी डालनी है और इसके अंदर पानी डालेंगे 1 लीटर 700 ग्राम से लेकर 900 ग्राम तक। और उसके बाद की बात कर लेते हैं कि चाशनी बन गई और रसगुल्ले जो नीचे डूब जाते हैं चाशनी के अंदर, तो आप इसके अंदर 50 ग्राम पानी ऊपर से डाल दें जिससे एकदम से अच्छे बनकर तैयार होंगे। और इसके साथ आप सभी को ये भी बता देती है कि अगर आप सभी के घर के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप सभी के घर में अन्य खाना भी बनाया जा रहे हैं और साथ में आप उसमें रसगुल्ले जैसे नाश्ते के अंदर देना चाहते हो, तो आपको इसमें कितना रसगुल्ले बनाने हैं जो लगभग 100 व्यक्तियों को आराम से मिल जाएंगे। तो आप मानते हैं कि 1 किलो मावे के अंदर लगभग 100 रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं, क्योंकि एक रसगुल्ला 13 से 14 ग्राम का बनता है। तो आपको 100 आदमियों के लिए यहाँ पे बनाना है तो आपको ये 100 रसगुल्ले ही बनते हैं 1 किलो के अंदर। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक आदमी 2 प्लेट भी खा ले, कभी 3 भी खा ले, तो आप इसमें हम इसको डबल कर लेंगे। जैसे 1 किलो के 100 पीस रसगुल्ले बनते हैं तो हम यहाँ पर 2 किलो मावे के रसगुल्ले बनाएंगे जो 200 बनकर तैयार होंगे और जो 100 लोग आराम से खा लेंगे। और उस स्थिति की बात करेंगे जहाँ पर अन्य खाना नहीं होता है, केवल खाने के अंदर रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं कि मानो आपके घर के अंदर 100 आदमी खाना खाने के लिए आ रहे हैं जिसमें आप केवल रसगुल्ले घालोगे, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। आपको बता देते हैं कि अगर आप 1 किलो के रसगुल्ले बनाओगे तो 100 रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। इसी के अनुपात में आपको बताते हैं कि अगर आपके घर के अंदर 100 आदमी आ रहे हैं तो आपको वहीं पर 5 किलो मावे के रसगुल्ले बनाने होंगे जो 100 लोग आराम से खाना खा पाएंगे। अन्य खाने ना खाते हुए भी 5 किलो मावे के रसगुल्ले के अंदर 100 लोग पेट भरकर खाना खा लेंगे। तो आप इसी का अनुपात निकालकर 1000 आदमियों के लिए
और कितने भी आदमियों के लिए रसगुल्ले बनाकर तैयार कर सकते हो। इसी के साथ आज का ये मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन को जरूर दबा दे। और आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर पूछे, हम उसका तुरंत ही आप सभी को आंसर देंगे।